ओम शांति। आज माँ जगदम्बा सरस्वती सर्व की जननी परोपकारी भी थी, ये विशेषता को हम देखेंगे। परोपकारी शब्द बहुत ब्रॉड सेंस में होता है। जब हम बेहद में चले जाते हैं, हमारी मन बुद्धि प्रशस्त हो जाता है, बेहद में चले जाते हैं, तब परोपकारी बन सकते हैं। लेकिन इसका शुरुआत मम्मा के लाइफ में इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मम्मा हमेशा संगठन में रही, 400 के बीच में पली और 400 के साथ मिलके चली, तो सबके लिए शुभ सोचते 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 14 साल के बाद जब सेवा शुरू हुई 52 में, 36 से लेकर के 52 तक मम्मा संगठन में हमेशा रही। इसलिए मम्मा योग के ऊपर ध्यान देना, सकास देना, यज्ञ के बच्चों का केयर करना, उनके ऊपर शुभ दृष्टि रखना, भावना से, भक्ति से, स्मृति से ध्यान देके उनकी स्पिरिचुअल पालना करना, ये सब आदत बन गई थी मम्मा के अंदर। तो जब सेवा भी शुरू हुई ना, मम्मा विश्व तक सकास देते हुए सेवा में भी सफल रही। तो परोपकारी बनने के लिए दया की भावना, समदृष्टि, प्रेम, क्षमाशील और दूसरों को सुख देना, अपने को निस्वार्थ बनाना, तो ये सब गुण चाहिए। तो मम्मा सहज रहती, जब यज्ञ को अपना परिवार समझा, घर समझा, तब ये सफल हुआ। मम्मा कभी भी कोई चीज बाबा कहे करने के लिए ना शब्द नहीं था, खुशी खुशी से हाँ जी का पाठ निभाई और बाबा से हाँ जी का पाठ, बच्चों के साथ प्रेम स्वरूप, कभी बड़े आवाज से नहीं, कभी शिक्षा देने लायक बात नहीं, प्रेम से समझाती थी, सहज करके समझाती थी। तो उनके अंदर हमेशा एक सर्व का कल्याण करने की जो भावना है, जैसे माँ के अंदर होता है, माँ कभी अपना नाम मान शान नहीं देखती, साइलेंट में रह करके सबको ममता देके हर रीति से पालना करती थी, करती है। ठीक इसी प्रकार 14 साल तक यज्ञ में रह के, बड़े संगठन में रह के मम्मा जो प्रैक्टिकल लाइफ में धारणा कर सिखाई, दिखाई, खुद चली, सबको चलाई, तो बुद्धि बेहद में चली गई। इसलिए मम्मा 2:30 बजे रात को उठ कर के सारे विश्व को सकास देती थी। सब आत्माएं विकारों से मुक्त हो, सुख शांति को पाए, परमात्मा का अवतरण को महसूस करे, अपने जीवन में अन्य के लिए प्रेम हो, सम्मान हो, ये शक्ति मम्मा हमेशा फोकस करती थी। इसलिए मम्मा जैसे परोपकारी जो शब्द कहेगी कोई टाल नहीं सकते थे, क्यों? ज्ञान युक्त भी थी तो प्रेम स्वरूपा भी थी। और मम्मा जो ज्ञान सुनाती थी उसमें फोर्स भी था, क्यों? स्वयं करके
अन्य को बताते दे, तो जो जीवन में उतारी है उसको समझाने दे, खुद अनुभवी बन गई ना, दूसरों को समझाने में हमेशा सक्सेस रहे। मम्मा तो सहनशीलता, समाने की शक्ति, ये सब में भरपूर थी। किसी ने कभी नहीं देखा मम्मा कोई चीज़ के लिए दुखी है, नाराज हैं, रूठ गई हैं, किसी के ऊपर क्रोधित हैं, ये किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि मम्मा ने अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर करने का लक्ष्य रख दिया। तब विश्व कल्याणकारी, परोपकारी बन सके। ओम शांति।